फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज लाइन कोलकाता में। एक बार फिर से हम आपको ले आए हैं इस वक्त कोदरा पाकुड़तला मंदिर कमेटी की ओर से। ये 18 साल पूरे होने को 18वीं पूजा पंडाल यहाँ पे की जा रही है, जो कि मंदिर कमेटी के साथ साथ जो ग्रामीण लोग है, इलाकाई लोग है, उनके साथ मिलकर ये संगठन एक पूजा पंडाल को तैयार करती है, जहाँ लोग अपने परिवार की तरह, इलाकाई लोग परिवारवासी की तरह मिलजुल कर एकत्रित होकर यहाँ पे पूजा जैसी है, जो त्योहार है, इसे मनाते हैं। तो हम जुड़ेंगे आर्य कमेटी के लोगों से, बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूजा जो 18 साल से आयोजन करते हुए आए हैं, तो यहाँ पे कैसा लगता है, लोगों का अनुभव क्या है, इलाकाई लोग किस तरह से मिलके काफी कठोर परिश्रम के बाद जो आज का दिन, आज के दिन को ज्ञापन करते हैं, क्या अनुभव है उनका। এই মহিলার মধ্যে কে বলবে? হ্যাঁ না না কেউ একজন বলবে। कितने साल से आपकी कॉमेडी पूजा को इस तरह आयोजित करते हैं? ये 18th ईयर चल रहा है हम लोग का, 2006 से स्टार्ट हुआ था हम लोगों का दुर्गा पूजा, क्योंकि हम लोगों का पारा में पूजा नहीं था, तो दूर में था, तो हम लोगों का भी इतना सारा फैमिली से बच्चे है, तो उनको अंदरा रहता था पारा में दुर्गा पूजा का टाइम, तो हम लोगों ने फिर इनिशिएटिव लिया, तो हम लोगों ने फिर दुर्गा पूजा स्टार्ट किया। बहुत ही छोटा एरिया है, उस बीच में अपना जो क्लब है, सब इतना सब जो मेंबर है, और बाकी लोगों का बहुत सारा हेल्प मिलता है, तो इसीलिए हम लोगों का एक्चुअली काली पूजा बहुत पहले होता था, बड़ा होता था, इसीलिए दुर्गा पूजा करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी था, लेकिन फिर सब लोगों का सहयोगिता से हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया और मोटामोटी ठीक ठाक से चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना दिन हो सके हम लोग आगे लेके चलें। ये लोकेशन क्या पड़ेगा लोगों के? ये पोदरा पाकुड़तला आंदुल रोड। जैसा कि ये पोदरा आंदुल पाकुड़ रोड है, किसी को भी आना हो यहाँ पे आ सकते, साथ में हम इलाकाई लोग हैं, जैसे कि इलाकाई लोग मिलजुल कर जिस तरह से ये त्योहार मनाते हैं, तो इलाकाई लोगों का क्या अनुभव है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इस विषय में उनका। आप इलाकावासी और मंदिर की कमेटी मिलकर एक पूजा पंडाल तैयार करते हैं और परिश्रम करने के बाद आज यहाँ पे आप लोग की तस्वीर है, क्या अनुभव? अच्छा अनुभव है, और हम लोगों का वो 18वां वो पंडाल है, पूरा वर्ष इंतजार है आज के दिन का। हाँ वो तो है ही, आज तो वो दिन है। ভীষণই ভালো লাগছে, কারণ আমাদের তো এটা একদম মেন পুজো, আমাদের এই পুজোর জন্যই আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি। হ্যাঁ আমাদের ওই জন্যই তো আমরা এই জায়গাটা ছেড়েও যেতে পারি না, সমস্ত আনন্দটাই আমরা এই জায়গা বা এই দিনটার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে উপভোগ করি আর কি। হ্যাঁ মহাষষ্ঠী খুবই ভালো কাটাচ্ছি, সেটা তো আমাদের মুখের হাসি দেখি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা কতটা ভালো সন্ধ্যাটা কাটাচ্ছি। হ্যাঁ প্ল্যান আছে আজকে দিন? না আর কোনো এখন প্ল্যান নেই, আমরা এখানেই থাকবো, সময় কাটাবো পুরো দিনটা। পুজোর আয়োজন পুজোরা পাকুড়তলা এত একটা আয়োজন কি বলবো, আয়োজনটা বড় আমরা মনে করি না, আমরা সবাই মিলে একসাথে করি, তো আমাদের কাছে এটা খুব একটা বড় বলে মনে হয় না, আমরা সবাই মিলে একসাথে করি, ভীষণই ভালো লাগে। আমরা আমাদের আরো সবাই মেম্বার আছে, নেই এখন এই মুহূর্তে সবাই ঘুরতে গেছে,
আমার নাম নবনীতা পাল। আপনারা কমিটি আর এলাকাবাসীদের সঙ্গে মানে একত্রিত হয়ে এই পুজোটা আয়োজন করেন, কেমন লাগে? এটা আমাদের বড় উৎসব, 18তম বর্ষ আমাদের। আমরা হিন্দু মুসলিম সবাইকে পাশে রেখে এবং এইভাবে একই সাথে একই কাঁধ মিলিয়ে আমাদের উৎসব আমরা পালন করছি। আর কিছু বলার নেই, এবার আপনারা দেখবেন। আমার নাম সমীর দত্ত, আমি পূজা প্রেসিডেন্ট।